वेलकम वेलकम टू दिस चैनल गाइस। सो ये वीडियो जो है हमारा, ये आज का वीडियो हमारा बुलेट के ऊपर हो रहा है। ये बुलेट क्लासिक 500 है एंड ऑलमोस्ट 12-13 साल पुरानी गाड़ी है एंड कस्टमर ने ये बाइक को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन रखा है। हमारे पास ये बाइक पिछले काफ़ी सालों से सर्विस भी हो रही है, बट इस बाइक में बाकी कुछ भी इशू नहीं है अपार्ट फ्रॉम द क्रैंक के बेयरिंग का नॉइज़। ये बाइक चलते चलते इसमें हल्का सा क्रैंक का बेयरिंग का आवाज़ आता है। बेसिकली वो आवाज़ जो है वो कस्टमर या फिर किसी बंदे को भी, आप अगर शांति से बाइक चला रहे हो तो इट इरिटेट्स आफ्टर सर्टन टाइम। कस्टमर डजंट वॉन्ट दैट नॉइज टू कम एंड एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू चेक द कंडीशन ऑफ द क्लच एंड द प्रेशर प्लेट ऑल्सो ऑफ दिस बाइक, बिकॉज पिकअप भी इसका थोड़ा सा डाउन हो गया है। 500 सीसी के हिसाब से जो पिकअप मिलना चाहिए, जो पंच मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आज हम ये बाइक का इंजन पूरा डिसमेंटल करने वाले हैं। इंजन डिसमेंटल करने के बाद हम लोग वी आर गोइंग टू चेक ईच एंड एवरीथिंग, उसका इंजन का हेड जो है, हेड में जो वॉल्स आते हैं, गाइड्स आते हैं, तो उसकी कंडीशन कैसे है वो हम लोग चेक करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे। सेम टाइम वी आर गोइंग टू ऑल्सो इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक में अगर कुछ स्क्रैचेस या फिर कुछ हेयरलाइंस आए हुए हैं या फिर पिस्टन के रिंग्स कैसे हैं वो भी चेक हो जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो वी विल रिप्लेस द ब्लॉक एंड द ब्लॉक किट, मतलब पूरा ब्लॉक पिस्टन दोनों रिप्लेस करेंगे। अगर ज़रूरत नहीं है तो बिकॉज वाइट स्मोक या फिर ऐसा कुछ भी पावर में लॉस ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी अगर ज़रूरत पड़े या फिर हमें लगे तो वी विल जस्ट रिप्लेस द पिस्टन के रिंग्स एंड वी विल कीप द ब्लॉक एज इट इज़। इसका जो क्रैंक है तो क्रैंक में से तो आवाज़ आ ही रही है, तो क्रैंक के दोनों जो बेयरिंग्स हैं वो रिप्लेस, क्रैंक के जो दोनों जो बेयरिंग्स हैं वो हम लोग रिप्लेस करेंगे बिकॉज वो क्रैंक के जो दो बेयरिंग्स हैं उसमें से काफ़ी सारी आवाज़ आ रही है। ऑयल ड्रेन होगा, ऑयल नया ऑयल फिल होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो भी इसके अंदर जो काम है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको बोलता हूँ, इसमें और भी दो चार काम जो है हमें, इसमें और भी दो चार काम है जो हमें कस्टमर ने बताया है कि करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल इसका जो साइलेंसर का बैंड पाइप है, तो साइलेंसर का बैंड पाइप जो है वो भी उसमें रस्ट आ चुका है, तो उसको प्लेटिंग हो जाएगा। एट द सेम टाइम इसके जो मैग्नेट और क्लच के जो कवर्स है दोनों, उसको हम लोग बफिंग करा के लेंगे। एट द सेम टाइम हेड का जो टॉप कवर है, मतलब जो भी बफ पार्ट है कंपनी की तरफ से आते हैं, हम लोग उसको बफिंग करा के लेंगे। सो ये वीडियो हमारा इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग बुलेट का इंजन डिसमेंटल करके असेंबल कर रहे हैं एंड आपको भी मज़ा आएगा ये वीडियो देखते देखते। हम लोग भी जब इंजन डिसमेंटल होगा उस टाइम पे हम लोग विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल, बिकॉज क्या होता है यूजुअली इवन आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व व्हाइल वर्किंग ऑन दिस मशीन्स एंड फिर उस टाइम पे कुछ चीज़ें मिस हो जाती है जो हम लोग कवर कर नहीं पाते। बट अगर फिर भी कवर नहीं की डिसमेंटलिंग के दौरान, तो हम लोग आपको बाद में दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ एंड कुछ भी अगर कमेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। सो द स्टेप नंबर वन इज़ इसका जो भी इंजन ऑयल है वो हम लोग पहले ड्रेन करा के लेंगे बिफोर वी डिसमेंटल द इंजन। उसके बाद इसका साइलेंसर का पाइप, साइलेंसर पूरा निकल जाएगा और ये और मेरा हमारा शुभम टेक्नीशियन इधर आपको दिखाई देंगे। उधर है उस साइड में शामू जो इस क्लासिक पे काम कर रहे हैं। शामू हाई करो सर सबको। वेरी गुड। ये हमारी फिल्टर की कंडीशन है। सो अभी इसका जो हेड का जो टॉप कवर है वो अभी ओपन हो रहा है। साइलेंसर वगैरह ऑलरेडी डिसमेंटल हो चुका है इसका। सो जैसे कि आपको पता है इन बुलेट्स में दे डोंट यूज दी टाइमिंग चेन, दे यूज दोज पुश रॉड्स and these are the rockers which basically activates the inlet and the exhaust valves. यहाँ पे आपको देखे दिखाई देगा जो exhaust valve है नीचे और ये inlet valve है।
तो इनलेट का जो है वो हमने निकाल दिया है अभी, अभी एग्जॉस्ट का जो है वो निकालने वाले हैं। तो ये पुश रॉड जो है अभी वो पुश रॉड भी निकालने वाले हैं हम लोग। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें इसका जो हेड है वो हेड अभी हम लोग निकाल रहे हैं बाइक से। ये ब्लॉक है हमारा और जो हेड है वो हेड अभी निकल चुका है। तो मैं क्लोजअप दिखा देता हूँ हेड का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसका जो हेड है जहाँ पे कार्बन डिपोजिशन होता है वैल्व के यहाँ पे, वो पूरा साफ हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि हमें इसका ब्लॉक पिस्टन भी डालना पड़ेगा बिकॉज काफ़ी प्ले हो गया है, प्ले आ गया है इसके अंदर। सो अभी नेक्स्ट हमारा इसका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक हम लोग निकाल रहे हैं। ये ब्लॉक इसका ऊपर आया हुआ है अभी, खींच गया इसका पैकिंग अभी वैसे भी फटने ही वाला है। वी आर गोइंग टू रिप्लेस द पैकिंग। तो ये हमारा पिस्टन हमने निकाल दिया है क्रैंक से, कनेक्टिंग रॉड पे से। पिस्टन पे काफ़ी सारे मार्क्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों बाजू से पूरे मार्क्स आ गए हैं पिस्टन पे। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू रिप्लेस द ब्लॉक किट एंड द, मतलब पूरा ब्लॉक पिस्टन जो है पूरा रिप्लेस करना ही एडवाइजेबल है। सभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसका किक वगैरह या फिर है या फिर इसका मैग्नेट साइड कवर है वो पूरा अभी ओपन होने वाला है। जैसे कि मैंने पहले, जैसे कि मैंने बोला, अभी इसका जो क्लच कवर है जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है बुलेट्स में, वो भी ओपन हो रहा है। इसका जो क्लच कवर है वो भी, क्लच कवर भी खोल खुल रहे हैं। आपको क्लोजली दिखाता हूँ इसका जो क्लच कवर है उसकी कंडीशन, क्लच प्लेट्स जो है उसकी कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पे। अभी जब पूरा खोलेंगे तो और भी क्लियरली मालूम पड़ेगा हमें कि क्लच प्लेट रिप्लेस करने की ज़रूरत है क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने मैग्नेट साइड कवर भी ओपन कर दिया है। ये इसका मैग्नेट है और मैग्नेट के पीछे ही जो आता है ड्राइव चेन जो होती है उसका फ्रंट स्प्रॉकेट आता है, वो लिखा गया। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो स्प्रॉकेट खोलना, मैग्नेट खोलना एंड उसका इंजन जो है पूरा हम लोग नीचे करने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैग्नेट साइड से हमने मैग्नेट जो अंदर जो गियर्स आते हैं वो भी निकाल दिए है। इधर आपको दिखा देता हूँ, ये हाइड्रोलिक्स है। अब हाइड्रोलिक्स जब निकालेंगे तब उसका कंडीशन भी हम लोग चेक करेंगे। तो ये जो ऑब्लॉन्ग डिज़ाइन है इसका,
जो हाइड्रोलिक की हेल्प से पुश रॉड को ऊपर पुश करता है अगेंस्ट दी रॉकर्स, और वहाँ से वो रॉकर ऑपरेट हो जाते हैं। तो ये दो गियर भी हमने निकाल दिए हैं। ये हमारा मैग्नेट है। सो अभी इसका जो इंजन है, हम लोग इंजन नीचे ले रहे हैं, नीचे जैक लगाया है बिकॉज इट्स क्वाइट हैवी, तो इजी होता है या फिर आई वुड से जैक लगा के निकालना इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, ताकि वो गिरे नहीं नीचे। इंजन नीचे आ गया है पूरा। अभी इसका जो इंजन का जो केसिंग है, वो केसिंग हम लोग डिस्कनेक्ट करने वाले हैं, ताकि जैसे केसिंग हम लोग निकालेंगे, हमें क्रैंक वगैरह का क्रैंक वगैरह भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी इंजन का जो केसिंग है वो हम लोग अभी डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा ये है हमारा क्रैंकशाफ्ट और ये गियर बॉक्स पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये क्रैंक वगैरह भी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है बाइक से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्रैंक है, ये क्रैंक का काफ़ी आवाज़ आ रहा था बाइक से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बाइक का केसिंग है, जहाँ पे गियर बॉक्स हम लोग निकाल नहीं रहे, हमने सिर्फ क्रैंक निकाला है बिकॉज क्रैंक का काम करना है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा पहले। सो इसका जो हेड है अभी जो लैपिंग के लिए जाएगा, उसके पहले उसको हम लोग अच्छी तरह से वॉश करके लेंगे। हमने ऑलरेडी डिग्रीजर मारा था, तो इट्स गेटिंग वॉश प्रॉपरली। तो ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड, नया कनेक्टिंग रॉड आरी का। ये है इसकी गजन पिन, ये है इसका नीडल बैरिंग, ऐसे इस तरह से इसमें बैठता है। अब ये जाएगा टर्नर के पास, बिकॉज कनेक्टिंग रॉड के जो बैरिंग आते हैं बिग रॉड के एंड के, वो अभी लगने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो वाल्व है, ये दो वाल्व है, ये दो वाल्व जो है एग्जॉस्ट के हैं, ये जो दो है वो इनलेट के हैं। आप कंडीशन चेक कर सकते हैं इनकी। जैसे कि मैंने आपको बोला, हम लोग वाल्व भी इसके चेंज करने वाले हैं, वी आर रिप्लेसिंग द वाल्व एंड वाल ऑयल सील ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो मैं, ये इंजन केसिंग है जो कल हमने इसको पूरा डिसअसेंबल किया था, तो अभी ये पूरा इंजन जो है वो डिटेल्ड में साफ़ हो रहा है। सो वी आर यूजिंग सर्टन डिग्रीजर्स टू क्लीन द केसिंग इन एंड आउट बिफोर वी इंस्टॉल इट बैक ऑन द बाइक। और इसके ये जो बेयरिंग्स आपको दिख रहा है, वो बेयरिंग्स भी सारे रिप्लेस हो जाएंगे, ताकि हमें आगे जाके कुछ भी दिक्कत नहीं आए।
सो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, ये जो इसका इंजन केसिंग है ये पार्ट, वो उसके बाद वॉश हो जाएगा। सो यहाँ पे डिग्रीजर अप्लाई हो रहा है इंजन पे पूरा। तो ये वही शॉप है जहाँ से हम लोग अभी बुलेट का सामान खरीद रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। चिंचवड़ में ये दुकान लोकेटेड है। ये सारे बुलेट के स्पेयर पार्ट्स हैं यहाँ पे हमने रखे हैं आपके, आप जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये लॉक है, लॉक सेट है पूरा नया क्लासिक 500 का। बाद में जो इंजन का सामान है उसमें ये जो है ये हेड और ब्लॉक का पैकिंग है, ये हेड का पैकिंग है नीचे। ये जो है वो कैम स्लीव है जो टाइमिंग गियर में लगती है। ये जो स्लीव है ये आती है आगे फ्रंट वाले स्प्रॉकेट के बाहर, जो आउटपुट शाफ्ट है जिसको आउटपुट शाफ्ट भी बोलते हैं वहाँ पे आती है। इसके बाहर आता है ऑयल सील, ये जो पार्ट है वॉल ऑयल सील्स है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है वो एग्जॉस्ट गैस्केट है कॉपर का, आप बोल सकते हैं, या फिर जहाँ साइलेंसर बैठता है हेड में वहाँ पे वो गैस्केट लगता है। ये किक जहाँ बैठती है उधर का ऑयल सील है। यहाँ पे देखोगे तो ये क्रैंकशाफ्ट के मेन बेयरिंग्स है यहाँ पे रखे हुए तीनों, ये तीनों रिप्लेस हो जाएंगे बेयरिंग। यहाँ पे ये दो है पुश रॉड जो हाइड्रोलिक के ऊपर बैठते हैं और जो कैम वाल्व्स को एक्टिवेट करते हैं या फिर वाल्व्स को रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। हेड का जो टॉप कवर आता है उस पर चार बोल्ट आते हैं जिसमें से एक बोल्ट जो आता है बड़ा आता है और बाकी तीन जो आते हैं ये इस साइज के आते हैं, छोटे आते हैं। इधर ये हमारा हाई टेम्परेचर का RTV सिलिकॉन, इसकी ज़रूरत पड़ती है व्हेन वी आर असेंबलिंग द इंजन। यहाँ पे ये ऑयल फिल्टर है RE का ओरिजिनल। ये क्रैंकशाफ्ट जिसका यहाँ का जो बेरिंग आता है मेन, वो बेरिंग हमने रिप्लेस करा के लेके आए हैं। ये है हाइड्रोलिक्स जिसकी वजह से हमारे रॉकर्स चलते हैं क्लासिक RE के क्लासिक मॉडल में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हमारा ब्लॉक पिस्टन, ये ब्लॉक पिस्टन भी हमारा रिप्लेस होने वाला है। तो अभी असेंबली शुरू करते हैं एंड जब असेंबली होगी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पार्ट कहाँ कहाँ लगते हैं। कीप वॉचिंग, अगर कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू यू, थैंक यू। सो इसका जो मेन बेयरिंग है जो केसिंग में बैठता है उसको लॉक आता है, तो वो लॉक अभी निकालने के बाद ही ये बेयरिंग जो है वो निकल के बाहर आता है। सो जैसे कि मैंने बोला आपको क्रैंकशाफ्ट में तीन बेयरिंग आते हैं,
ये बेरिंग को लॉक नहीं आता। हाँ, वो बेरिंग का लॉक हम भी हमने निकाल दिया है। तो ये वही एरिया है जहां पे दोनों बेरिंग बैठते हैं क्रैंकशाफ्ट के। मैं इंजन आपको का इंजन का जो केसिंग है वो सीधा करके दिखा देता हूं, तो आपको अंदाजा आ जाएगा। पैर पीछे, ये हमारा इंजन का केसिंग है। ये जो बाजू, ये बाजू जो है, ये साइड जो है हमारा, ये लेफ्ट साइड है। यहाँ पे हमारा क्लच प्लेट बैठता है और उस साइड में आता है मैग्नेट साइड। ये जो दिख रहा है आपको, ये चेन टेंशनर है, टाइमिंग चेन टेंशनर बोलते हैं उसको। और इस एरिया में दो बेरिंग बैठेंगे। सो आफ्टर क्लीनिंग दैट एरिया, हमें उसको लुब्रिकेट करना जरूरी है ताकि जो बेरिंग हम लोग प्रेस करेंगे वो इजीली प्रेस होके अंदर जाए। सो ये एक बेरिंग लगाने के बाद अभी यहाँ पे एक बेरिंग लगाने के बाद यहाँ पे वॉशर आता है। वॉशर के बाद यहाँ पे उसका लॉक आ जाएगा। ये वाला जो बेरिंग है, मेन बेरिंग, वो भी लग गया है। अब इसके बाद ये जो एरिया है, यहाँ पे दूसरा बेरिंग लगेगा। ये वही लेफ्ट साइड है जो आपको मैंने पहले दिखाई थी। सो ये जो साइड है हमारी, ये आपको, आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है इसका मैग्नेट। ये राइट साइड है बाइक की। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, पहले के वीडियो में जो पार्ट हमने लेके आए थे, वहां पे आपने एक स्लीव देखी रहेगी, तो वो जो स्लीव है जो आउटपुट शाफ्ट में बैठती है वो यहाँ बैठती है। इसके ऊपर ये ऑयल सील आता है, वो ऑयल सील निकाल के नया आएगा। ये स्लीव जो आई है नई, वो लग जाएगी यहाँ पे। और इसके बाहर यहाँ पे बैठता है छोटा स्प्रॉकेट। तो भी ये इंजन में यहाँ पे एक बेरिंग आती है नीडल बेरिंग, वो भी हम लेके आए हैं, तो वी आर रिप्लेसिंग दैट। ये हमारी नीडल बेरिंग है, वो भी वहां बैठेगी। ये जो है, ये गियर बॉक्स है इसका, मैं आपको इस पाजू से दिखा देता हूं। तो ये राइट साइड का केसिंग है इंजन का, जहां पे गियर बॉक्स वगैरह ऑलरेडी लगा के रखा है हमने। इसको केबल टाई से टाई किया हुआ है ताकि वो हिले नहीं। उसको हालांकि हमने निकाल के साफ करके वी हैव री इंस्टॉल्ड इट बैक इन द केसिंग। ये जो है, ये चेंबर में ऑयल भरा रहता है ताकि ये ऑयल सर्कुलेशन गियर थ्रू ऊपर सही तरीके से होए। हाँ, बट इसके अंदर ऑयल भरा रहता है ना। हाँ, अब ये जो सेक्शन है यहाँ पे, इधर आप देखेंगे तो कॉलर आपको क्लोजली दिखा देता हूँ मैं। तो ये कॉलर के ऊपर की तरफ ये नीडल बेरिंग जो है हमारा, वो बैठता है। टैप करने के बाद हम लोग उसको प्रॉपरली बिठा देंगे। ये बेसिकली ये वही चीज है जो हमारा पुश रॉड एक्टिवेट करता है, और पुश रॉड की सहायता से हमारा रॉकर वाल्व ये सब चलते हैं। यहाँ पे हमारे हाइड्रोलिक बैठ गए हैं, ऊपर से आपको दिखा देता हूँ मैं। ये हाइड्रोलिक्स है, और केसिंग के ये बाजू में उसको लॉक बैठता है। ये जो है वो लॉक से हाइड्रोलिक है। यहाँ 5 mm का एलन भी, 5 mm का एलन बोल्ट लग के वो टाइट हो जाएंगे ताकि वो निकलेंगे नहीं। सो ये हमने यहाँ पे इसका क्रैंकशाफ्ट बिठा दिया है। अब
अब इसके बाद जो दूसरा केसिंग है वो केसिंग बैठ जाएगा। सो क्रैंक बैठने के बाद उसके ऊपर एक बुश बैठता है जो बेरिंग के अंदर जाता है, और उसके ऊपर एक वॉशर बैठता है। सिमिलरली इसका जो सेकेंड वाला इंजन केसिंग है उसको भी हम लोग थ्री बॉन्ड लगा के लेंगे। सो अभी दोनों केसिंग जो है वो असेंबल हो जाएगा। सो ये इंजन का हमारा लेफ्ट साइड का व्यू है जहाँ पे क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट बैठ जाएंगी। जैसे कि मैंने पहले बताया टाइमिंग चेन चेन टेस्टर है। सो इधर आपको दिखा दूँ तो ये देखो ना, हाँ तो ये सारे जो स्टड्स हैं जो इंजन केसिंग को कनेक्ट करते हैं वो अभी टाइट हो गए हैं। सिमिलरली एक दो तीन चार पाँच छ सात ये सारे स्टड्स है। तो जैसे कि आपको पहले बताया था हमने ये ऑयल सील जो है इसका और ये कॉलर जो हम नए लेके आए हैं उसको भी रिप्लेस कर देंगे। देखा देखा ये पुराना कॉलर है इसकी जो घस चुकी है।
सो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग इसका जो हेड है वो हेड में नए वाल्व और वॉल ऑयल सील्स वो हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं। हमने जो वॉल ऑयल सील्स था उसको ऑलरेडी ल्यूब कर दिया है, क्योंकि बिना ऑयल के वॉल ऑयल सील कभी डाला नहीं जाता अंदर। ये जो है अभी अभी जो आप देख रहे हैं ये हम लोग वाल्व्स जो है उसका लॉक लगा रहे हैं। वी आर यूजिंग दोस पुलर्स टू लॉक द वॉल। एक बार ये वॉल दब गया पुलर की सहायता से, उसके बाद जो लॉक है वाल्व्स के ऊपर तो वो इजीली बैठ जाते हैं। इधर आप देखोगे तो ये हमारे वाल्व्स दोनों हेड में फिट हो गए हैं प्रॉपरली, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद का जो स्टेप है ये बिफोर हेड इंस्टॉलेशन, जो ब्लॉक और हेड के बीच में पैकिंग आता है, ये पैकिंग अभी हम लोग बिठा रहे हैं। ये पैकिंग देखोगे तो ये रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल पैकिंग है जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। ये है हमारा नया ब्लॉक पिस्टन जो आपने पहले ही देखा था, अब ये लगने जाएगा इसमें। सो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने हेड इंस्टॉल किया है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ब्लॉक इंस्टॉल हो गया है बाइक पे इंजन का, और ब्लॉक इंस्टॉल होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो हम लोग हेड बिठाने जा रहे हैं। लेकिन ब्लॉक और हेड के बीच में एक मेटल का पैकिंग आता है ब्लैक कलर का, वो हमने बिठा दिया है अभी। अभी जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम लोग हेड इंस्टॉल करने जा रहे हैं।
सो इधर आप देखोगे तो हमने अभी ऑयल पंप का जो गियर है वो फिट कर दिया है। सो अभी जहाँ पे हमारे हाइड्रोलिक्स बैठते हैं, हाइड्रोलिक्स के अंदर या फिर हाइड्रोलिक्स जहाँ बैठते हैं उसके यहाँ पे गियर्स आते हैं जो मैग्नेट के बैक साइड में आते हैं, जिसमें एक गियर जो रहता है राइट साइड का उसमें डिकॉम्प फिटेड रहता है ऑलरेडी। तो वो दोनों गियर्स अभी हम लोग बिठाने जा रहे हैं। उन गियर का भी कुछ टाइमिंग है जो अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, बट इन सम वीडियो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू अबाउट द टाइमिंग ऑफ दोज गियर्स। तो ये रहे हमारे सारे पार्ट्स जो बफिंग होके आ गए हैं, बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। अब ये सारे पार्ट्स जो है हम लोग बाइक के इंजन के ऊपर पहले असेंबल करेंगे और उसके बाद जो है वो इंजन जो है हम बाइक के ऊपर माउंट करेंगे। वहाँ देखोगे आप जो पहला पार्ट है वो ऑयल फिल्टर का कैप है, उसके बाद ये दोनों टैपेट कवर्स हैं, ये जो है हमारा मैग्नेट साइड कवर है जहाँ पे ऑयल फिल्टर बैठता है, ये जो पार्ट है हमारा ये क्लच कवर है जिसके अंदर क्लच प्लेट बैठती है।
तो अभी ये सारे पार्ट्स हम लोग इंजन के ऊपर पहले माउंट करते हैं, असेंबल करते हैं इंजन के साथ, उसके बाद हम लोग इंजन बाइक के ऊपर चढ़ाएंगे। सो ये स्टेटर कॉइल जो है, अभी ये स्टेटर कॉइल केसिंग के अंदर फिट हो रहा है, उसके बाद ये केसिंग जो है बाइक के ऊपर फिट हो जाएगा। सो इसका जो केसिंग आता है, यहाँ पे अगर ये लाइन देखोगे, ये लाइन हमेशा साफ ही रखना है, बिकॉज इसके ऊपर पैकिंग या फिर गैस्केट नहीं आता है, डायरेक्ट थ्री बॉन्ड आता है एंड उसके ऊपर मैग्नेट का जो कवर है, यहाँ पे अभी हमने स्टेटर कॉइल लगाया है, वो आ जाता है। तो इसके ऊपर अगर देखोगे आप, तो ये गैस्केट यहाँ पे नहीं बैठता है जैसे बाकी के बाइक में आता है, इसके ऊपर क्लच कवर जो है डायरेक्टली बैठ जाता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे थ्री बॉन्ड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सो जो हमारा क्लच कवर है, वहाँ पे इस जगह से हमारा गियर शाफ्ट बाहर आता है, वहाँ पे ऑयल सील आता है, तो वो अभी ऑयल सील बैठने जा रहा है। सो अभी हमारा मैग्नेट कवर फिट होने जा रहा है। एक बार थोड़ा लंबे से आपको दिखा देता हूँ कैसे इंजन दिख रहा है इसका। सारे बोल्ट बैठेंगे अभी जगह पे। आठ एमएम के टी स्पैनर से सारे बोल्ट टाइट हो जाएंगे अभी। आई थिंक इट इज फन वॉचिंग दिस, राइट? सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्लच कवर है जिसको पैकिंग नहीं आता, तो इसलिए हमें वहाँ पे अभी थ्री बॉन्ड लगाना पड़ता है। यूजुअली बहुत सी बाकी की गाड़ियों में आपने देखा रहेगा तो थ्री बॉन्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मैन्युफैक्चरर खुद ही पैकिंग से प्रोवाइड करता है जिसमें क्लच पैकिंग मैग्नेट पैकिंग अलग से आते हैं। बट इन केस ऑफ दिस रॉयल एनफील्ड क्लासिक्स, क्लच कवर की जगह क्लच कवर का पैकिंग ऐसा नहीं आता, तो इसीलिए हमें यहाँ पे थ्री बॉन्ड लगाना पड़ता है, बाकी ऑयल लीक ना हो। ये कवर अभी आ जाएगा यहाँ पे, ये तो हमने क्लच प्लेट पहले ही लगा दी है आपने देखा। कुछ इस तरह से हमारा क्लच कवर बैठ गया, आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। अभी ये सारे जो 8 mm के बोल्ट है वो भी बैठने जा रहे हैं, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ टी स्पैनर हम लोग सारे बोल्ट टाइट कर देंगे। सो अभी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ द हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है या फिर नेक्स्ट स्टेप है, बोल सकते हैं आप। यहाँ पे चैलेंज इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये बड़ा सा इंजन अभी हमें बाइक के चेसी पे उठा के माउंट करना है, और चैलेंज यही है कि ये इंजन हम लोग बाइक के ऊपर कैसे माउंट करें, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी इंजन, पूरा असेंबल होने के बाद तो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो आपको दिखा देता हूँ अगला प्रोसेस। हम लोग बेल्ट की सहायता से ये इंजन ऊपर बाइक पर माउंट कर रहे हैं, तो दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट वे टू लिफ्ट द इंजन एंड माउंटेड ऑन द बाइक, बिकॉज इसमें इंजन डैमेज होने का कोई भी चांस नहीं होता।
अभी इसका जो चेन है वो चेन लगाने का काम हो रहा है यहाँ पे। तो आपने देखा हमने इंजन तो बाइक के ऊपर माउंट कर लिया, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमने टॉप कवर के इंजन का जो हेड का टॉप कवर है वो खुला ही रखा है। उसका एक रीज़न ये है कि बिकॉज इसके वॉल सेटिंग अभी करना बाकी है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसमें जो है ये हम लोग ऑयल डाल रहे हैं मोटूल का। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 15W50 ग्रेड का ऑयल है ये। ये ऑयल अभी हम लोग इंजन में डालेंगे 2.5 लीटर, उसके बाद इंजन स्टार्ट करेंगे। इंजन में ऑयल डालेंगे उसके बाद हम लोग इंजन स्टार्ट करेंगे। इंजन स्टार्ट करेंगे तो ऑयल पूरा यहाँ पे आना चालू हो जाएगा, बिकॉज ऑयल पम्प भी हमने ऑयल पम्प का गियर भी रिप्लेस किया है, तो डेफिनेटली ऑयल विल फ्लो एट अ वेरी हाई पेस। एंड ऑयल जब यहाँ पे आएगा, जब लुब्रिकेशन होगा यहाँ पे, उसके बाद हम लोग इसका सेटिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग पार्ट बिफोर वी स्टार्ट द बाइक। थैंक यू। सो ये फर्स्ट ऑयल है इंजन पूरा बिल्ड होने के बाद का। सो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट क्रैंक हम लोग करने वाले हैं बाइक पे। तो जैसे ही क्रैंक करेंगे यू विल सी, यू विल नोटिस सम ऑयल दैट इज कमिंग आउट। सो भी यहाँ पे आप देखोगे तो ऑयल आ रहा है ऊपर। आपको भी उस एंगल से दिखाता हूँ मैं। तो इसकी अभी सेटिंग हो रही है और सेटिंग होते होते इंजन बंद हो गया है। अब वापस हम लोग इंजन चालू करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा टाइम चलता है, उसके बाद इंजन काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो हेड का टॉप कवर है उसको फिक्स कर देंगे। तो इसके बाद हेड का जो टॉप कवर है जो हमने निकल के रखा है उसका कैप लगेगा, उसका ये ओरिंग नया हम लोग लगा रहे हैं अभी, ताकि कोई भी ऑयल लीकेज हमें नहीं चाहिए इसलिए। सिमिलरली इसके जो बोल्ट्स हैं एलन बोल्ट्स बोलते हैं वो भी नया, और इसका जो ऑयल सी जाता है यहाँ पे वो भी नया लगने जा रहा है। हेलो गाइस, सो आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे, बहुत सारे रीजन से, क्योंकि ये गाड़ी का काम हो गया है पूरा एंड ये गाड़ी पहले से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, स्मूथ हो गई है। हमने बाइक की टेस्ट राइड भी की, बाइक का पिकअप पंच जो है 500cc इंजन में जो आपको पंच मिलना चाहिए, जो टॉर्क मिलना चाहिए, वो टॉर्क भी अभी वापस मिल रहा है इस गाड़ी में। तो कस्टमर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय दिस बाइक फॉर श्योर। ऊपर से हमने जो वीडियो को स्टार्टिंग में आपसे बताया था मैंने कि इसका मैग्नेट कवर, क्लच कवर जो भी है या फिर जो भी प्लेटिंग या बफिंग के पार्ट्स हैं हम लोग उसको बफिंग प्लेटिंग करा के लेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने ही है। गाड़ी पूरी चमक रही है बिकॉज ये वैसे भी ये मॉडल है या क्रोम में है, तो क्रोम और नीचे का आपका ये मैग्नेट क्लच कवर, मैग्नेट कवर अगर प्रॉपरली बफ्ड रहेगा तो वो और भी शानदार दिखता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डल पड़ता है फॉर श्योर, बट उसको अगर पीरियडिकली अगर आप करते रहोगे बफिंग या फिर पॉलिशिंग तो उसकी शाइन वैसे के वैसे बरकरार रहती है।
बाय द वे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया रहेगा तो प्लीज आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इफ़ यू हैव क्लासिक 350 500 या फिर एनी अदर बाइक एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द इंजन तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर डाउट्स है या फिर कुछ भी कमेंट्स है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हम लोग डेफिनेटली विल आंसर यूर क्वेरीज। तो मैं अभी बाइक आपको चालू करके बाइक का आवाज़ सुनाता हूँ एंड आपको ही समझ में आ जाएगा कि बाइक कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। So this has become very soft now. क्रैंक का जो भी आवाज़ था, ब्लॉक पिस्टन का जो भी आवाज़ था, पूरा का पूरा चला गया है। थोड़ी बाइक 500-700 किलोमीटर चलने के बाद, 1000 किलोमीटर चलने के बाद जो भी ऑयल चेंज जो करना पड़ता है वो हम लोग कर देंगे इसके बाद। एंड देन कस्टमर ग्रेजुअली इसका स्पीड बढ़ा सकता है, यू कैन गो अप टू 100, 110, 120 ऑल्सो लेटर, नॉट इमीजिएटली, बिकॉज द इंजन एवरीथिंग एवरी पार्ट ऑफ दिस इंजन वी आर न्यू राइट फ्रॉम द ब्लॉक पिस्टन वाल्व्स वॉल ऑयल सील्स पूरे नए हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड नॉट टू पुश द बाइक टू द लिमिट सो अर्ली, तो थोड़ा टाइम होने के बाद बाइक को आप थोड़ा तेज चला सकते हो। तो अगर आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सो हैव अ गुड डे। अगर कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में डाल दिए, वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।